सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ सिलेबस ओवरव्यू। जो जीएस हिस्ट्री में मेन टॉपिक्स है जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता होना लाजमी है, वो कौन कौन से है। सो फर्स्ट टॉपिक इज रीजंस ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ इंग्लैंड, कि इंग्लैंड कोलोनाइजेशन क्यों करता है या यूरोप कोलोनाइजेशन क्यों करता है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक इज 13 कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की 13 कॉलोनीज थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होना लाजमी है। एंड नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक इज रीजंस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, या जो अमेरिकन वॉर होती है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 से 1783 तक। तो थर्ड जो टॉपिक बनता है उसकी वो ये है कि रीजंस ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए। आफ्टर दैट जब यूएसए बन जाता है तो फोर्थ टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। उस पर भी सवाल अक्सर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इकोनॉमिक हालात अमेरिका के बेहतर हो जाते हैं, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अचीवमेंट्स ऑफ अब्राहम लिंकन, के अब्राहम लिंकन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेजिडेंट्स ऑफ यूएसए, उसने अपने दौर में क्या किया था। मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ टॉपिक, इट्स अबाउट सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए, या वॉर ऑफ 1812 भी जिसे कहा जाता है। उसके बाद जो सिक्स टॉपिक है दैट इज एक्सपेंशन ऑफ यूएसए फ्रॉम 13 कॉलोनीज टूवर्ड्स वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जिसमें मुख्तलिफ परचेजेस होते हैं, मुख्तलिफ एनेक्सेशन होती है, डील्स होते हैं बाकी ममालिक के साथ। एंड सेवन टॉपिक उसके बाद जब अमेरिका एक्सपेंड हो जाता है दैट इज सिविल वॉर ऑफ अमेरिका, बींग वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए, सिविल वॉर पर अक्सर सवाल आता है। मूविंग फॉरवर्ड, एट जो टॉपिक है इट्स अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिविल वॉर के बाद एयर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन आता है, अमेरिका अपने आप को स्टेबलाइज करने की, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाती है, और सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो दिस टॉपिक इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन इस पर भी एक आध दफा सवाल आया हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन या सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पेसिफिकली। मूविंग फॉरवर्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अमेरिका में प्रोग्रेसिविज्म आता है, जो हमारा नाइन टॉपिक बनता है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1900 एंड इट कंटिन्यूज टिल 1920। जो हमारा टेंथ टॉपिक है इट्स अबाउट वर्ल्ड वार वन एंड रोल ऑफ यूएसए, हमने वर्ल्ड वार वन को अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखा है कि अमेरिका का क्या रोल होता है। मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर वर्ल्ड वार दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आ जाती है वर्ल्ड वार वन के बाद, और अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के इंपैक्ट्स आते हैं, और उसे डील करने के लिए फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट साहब अपनी न्यू डील दे देता है। सो 11 टॉपिक इज न्यू डील या ग्रेट डिप्रेशन, या हाउ ग्रेट डिप्रेशन वॉज टैकल्ड इन अमेरिका। मूविंग फॉरवर्ड, जो आपका 12th टॉपिक है इट्स अबाउट वर्ल्ड वार टू एंड रोल ऑफ अमेरिका इन वर्ल्ड वार टू। जैसे ही दुनिया में वर्ल्ड वार खत्म हो जाती है कोल्ड वार का आगाज हो चुका होता है, और 13 टॉपिक इज अबाउट कोल्ड वार। कोल्ड वार पे अक्सर सवाल ऐसे आता है कि व्हाट वेयर द स्ट्रेटेजीज ऑप्टेड बाय यूएसए टू कंटेन कम्युनिज्म। कोल्ड वार के बाद आता है आपका वार ऑन टेरर, उस पर भी अक्सर सवाल एक आध दफ़ा आया हुआ है। एंड मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, एक सवाल आता है कंटेम्प्रेरी अफेयर से, जो आजकल दुनिया में चल रहा है। ये जनरल क्वेश्चन होता है, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन कि आप एग्जामिनर को कितना इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं, माइल करवा रहे हैं। इट इज मोस्टली रिलेटेड टू साउथ एशिया और पाकिस्तान। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज के एग्जामिनर की डिमांड्स क्या होनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे सिंपल ये चाहता है कि जो टॉपिक दिया गया हो आप उसे कितने डिफरेंट एंगल से उसे आंसर करते हैं। बास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एक टॉपिक के बारे में एक ही पॉइंट को 8-9 पेजेस लिखते हैं एक्सटेंसिवली। वाइल आई वुड रिकमेंड के एग्जामिनर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप रादर देन एक पॉइंट पे 8 पेजेस लिखे, 8 अलग अलग पॉइंट्स पे एक एक पेज लिख लीजिएगा। उसमें डाइवर्सिटी आएगी, डिफरेंट सेक्टर्स से, डिफरेंट स्फेयर से, डिफरेंट डायमेंशन से आप उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। और जहां पे नीड हो, रिक्वायर हो, तो मैप्स भी ड्रा कर लीजिएगा। बट मेन थिंग एग्जामिनर की डिमांड ये होती है कि आप टू द पॉइंट जवाब दे दीजिएगा और साथ में मुख्तलिफ एंगल से उसे कवर करें। मूविंग ऑन टू एन इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट इज के बुक कौन सी, आपने रिसोर्सेज कौन से कंसल्ट करने चाहिए। फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे रिसोर्सेज कंसल्ट करें जो अमेरिकन ऑथर्स के लिखे हुए हो। एंड अमेरिकन पीजन, जिससे मैंने खुद भी तैयारी की थी एंड आई गॉट मोर देन 70 मार्क्स, इट इज़ ग्रेट सोर्स, क्योंकि वो जो ऑथर्स हैं अमेरिकन ऑथर्स, वो CSS के लिए नहीं लिखते, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सटेंसिव लिखते हैं। सो एनी एडिशन फ्रॉम 13 ऑनवर्ड्स ऑफ अमेरिकन पीजन इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर US हिस्ट्री। नाउ फास्ट फॉरवर्ड के मैंने तैयारी कैसे की थी, वट वॉज माई वे ऑफ प्रिपरेशन फॉर CSS। पहले मैं क्लासेस लेता था 9 में यहीं पे, उसके बाद टीचर के नोट सामने रखते हुए मैं बुक से फर्दर उसे एक्सपेंड करने की कोशिश करता था। जो चीज़ें मुझे टीचर ने बताई थी वो मुझे चीज़ें समझ आ जाती थी, लेकिन बुक मुझे वो एक्सटेंड करता था, उसमें मैं वो पार्ट्स हाईलाइट करता था जो मुझे लगता है कि जो टीचर ने नहीं पढ़ा है लेकिन मुझे पढ़ने की ज़रूरत है।
तो आप लोग भी इसी तरह कर लीजिएगा। लेक्चर्स लेने के बाद हाईलाइटर रख के उन चीज़ों को हाईलाइट करें जो टीचर्स ने आपको नहीं पढ़ाई होती और जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और जब सेकंड गो में आप उस बुक को पढ़ने लगे तो सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा जो आपने हाईलाइट किए हुए हो, जो अनलाइटेड हो उसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।